मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर एग्जांपल नंबर 7 तक कंप्लीट किया था। अब एग्जांपल नंबर 8 से बाकी है, वहां से हम आगे देख रहे हैं। एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन और मोर टेल्स इन टॉसिंग अ कॉइन फोर टाइम। इन टॉसिंग अ कॉइन फोर टाइम, एक कॉइन को चार टाइम टॉस कर रहे हैं। अब चार कॉइन को एक बार टॉस करो या एक कॉइन को चार बार टॉस करो, आंसर हमको मिलेगा 2^4, बीएनी चार घात मल्स है। अंडरस्टैंड? चलो देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन और मोर टेल्स। एग्जांपल नंबर 8, अ कॉइन इज टॉस्ड फोर टाइम्स। एक कॉइन को हम चार बार टोस कर रहे हैं, ठीक है? तो यहां मुझे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स एम मिलेगा 2^4। 2^4 मतलब 16। 2 × 2 × 2 × 2, बे गुणिया बे। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 मिलेगा। तो 16 आउटकम्स मुझे मिलने वाले हैं, ठीक है? अब आगे देख रहा हूं, इवेंट ए क्या बोला है आपको। इवेंट ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करना है, गेटिंग वन और मोर टेल्स, गेटिंग वन और मोर टेल्स। गेटिंग वन और मोर टेल्स इसका मतलब क्या हुआ, एक या उससे ज्यादा टेल्स मिलेंगे। तो वन टेल वाला, टू टेल वाला, थ्री टेल वाला एंड फोर टेल वाला आने वाला है, पता चला? मैं पहले सैंपल स्पेस लिख दूं तो आपको ज्यादा पता चलेगा। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 16। टोटल आउटकम 16 है, तो 16 के हाफ करने से 8 मिलेंगे। 8 टाइम्स मुझे H लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 टाइम्स H लिखना है और 8 टाइम्स T लिखना है। अब 8 टाइम एच, 8 टाइम टी, 8 के हाफ करो 4, 4 टाइम एच, 1, 2, 3 एंड 4 टाइम एच, 4 टाइम टी लिखना है, 4 टाइम एच, 4 टाइम टी लिखना है। 4 के हाफ करेंगे 2 मिलेगा, 2 टाइम एच, 2 टाइम टी, 2 टाइम एच, 2 टाइम टी, 2 टाइम एच, 2 टाइम टी, 2 टाइम एच, 2 टाइम टी मिलेगा। अब 2 के हाफ करेंगे 1, 1 टाइम एच, 1 टाइम टी, 1 टाइम एच, 1 टाइम टी, 1 टाइम एच, 1 टाइम टी, एच टी, एच टी, एच टी, एच टी, एच टी। तो इस तरह से मुझे टोटल 16 आउटकम्स मिलेंगे। अब प्रोबेबिलिटी मुझे किसके फाइंड करना है, इवेंट ए इक्वल टू गेटिंग वन और मोर टेल, एक या उससे ज्यादा टेल्स मिलेंगे, इसका मतलब वन टेल, टू टेल, थ्री टेल, फोर टेल, वन टेल, टू टेल, थ्री टेल, फोर टेल, सब लिखना पड़ेगा। तो कौन सा नहीं लिखेंगे उसकी बात करो। वन टेल मतलब ये लिखना पड़ेगा, टू टेल लिखना पड़ेगा, थ्री टेल लिखना पड़ेगा, फोर टेल ये भी लिखना पड़ेगा। तो ये सभी आउटकम्स आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 आउटकम्स टोटल आने वाले हैं। सिर्फ कौन सा नहीं आएगा, गेटिंग वन और मोर टेल, एक या उससे ज्यादा टेल, मतलब वन टेल, टू टेल, थ्री टेल एंड फोर टेल आने वाला है। तो जीरो टेल वाला नहीं आने वाला है, ठीक है?
तो यहां मैं अगर सीधा जा रहा हूं तो मुझे वन टेल, टू टेल, थ्री टेल, फोर टेल, 15 आउटकम्स लिखना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं, उल्टी साइड जाता हूं तो सिर्फ एक आउटकम लिखना पड़ेगा। उल्टी साइड जाने को बोलते हैं इवेंट ए नहीं फाइंड करना है, इवेंट ए डैश फाइंड करना है। इवेंट ए डैश में क्या लिखेंगे, तो नो टेल, एक भी टेल नहीं होगा, उसको हम इवेंट ए डैश कहेंगे। इसलिए ए डैश के अंदर नो टेल मतलब एच 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 मिलेगा। तो यहां मुझे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मिल गए वन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मिला एम बाय एन, दैट इज 1/16। ये मुझे ए डैश मिला। मेरा अल्टीमेट क्वेश्चन तो यही था कि मुझे पी ऑफ ए फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे फाइंड करूंगा, तो अब मैं फाइंड करूंगा 1 - p of a' करके। सो 1 - probability of a' is 1/16। नाउ 16 एलसीएम निकाला, 16 - 1 करने से 15 मिलेगा, तो मेरा फाइनल आंसर हो गया 15/16। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर कौन सा था, 8। अब एग्जांपल नंबर 9 देख रहे हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द रेस इज 1/3, एग्जाम्पल 9, probability of A winning the race, A winning the race, A race win करता है, उसकी probability दी हुई है आपको, probability of A is 1/3, then probability of B winning the race, B race winning करता है, उसकी probability आपको दी गई है, उसको लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/4। देन आगे क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर शुड विन, नाइदर शुड विन, नाइदर नॉर का मतलब होता है आपको फाइंड करना है पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड करने के लिए पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के दो फॉर्मूला है। पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पे इंटरसेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबसे पहले रेस के अंदर, रेस के अंदर दो जने दौड़ रहे हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। आप समझो ए और बी दोनों एक साथ जीत सकते हैं, ए और बी दोनों एक साथ जीत सकते हैं, बताओ नहीं जीत सकते ना। ए जीतेगा तो बी हारेगा, बी जीतेगा तो ए हारेगा, इसका मतलब ऐसा हुआ ए और बी दोनों एक साथ जीत नहीं सकते। कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे सर दोनों सेम टाइम पे सामने वाले पट्टे पे पहुंचे तो दोनों जीत गए ना, एक ही समय पे दोनों सामने पहुंचे टारगेट के ऊपर तो दोनों जीत गए ना, नहीं नहीं जीते ना दोनों, वो मैच टाई हुआ ऐसा कहलाएगा, वो मैच टाई हुआ, कोई भी नहीं जीता। ए और बी समझो 5 मिनट के अंदर सामने वाले पट्टे पे पहुंच गए दोनों एक साथ, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ए और बी दोनों एक साथ सामने के पट्टे पे पहुंचे तो दोनों जीत गए ऐसा नहीं कहलाएगा, वो मैच टाई होगा, दोनों को फिर से दौड़ना पड़ेगा, समझे। क्रिकेट मैच के अंदर हम देखते हैं किसी एक टीम का 130 हुआ, दूसरी टीम का भी 130 हुआ, दोनों का सेम स्कोर हुआ तो मैच टाई कहलाएगा, फिर सुपर ओवर आएगा वो बात अलग है, लेकिन दोनों एक साथ कभी भी नहीं जीत सकते बेटा, दौड़ रहे दो जने तो दोनों एक साथ कभी भी नहीं जीत सकते, इसका मतलब ऐसा हुआ दो इवेंट एक साथ नहीं होने वाले, दो इवेंट एक साथ नहीं होती है उसको हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। दोनों इवेंट एक साथ नहीं होगी, ए भी जीतेगा बी भी जीतेगा ऐसा होने वाला नहीं है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ए छेद बी बराबर खाली गण, क्या हम क्या बे घटनाओं जोड़े बनसे नहीं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था, 1/3 था, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था, 1/4 था, यहां एलसीएम मैंने निकाला 12, 3, 4, 12, 3 चौके 12, 3 है तो यहां 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4
फोर है तो यहां थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा क्रॉस में, फोर इंटू वन इज फोर प्लस सॉरी थ्री इंटू वन इज नहीं 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 ये रहा, फोर इंटू वन इज फोर बराबर है एंड थ्री इंटू वन इज थ्री, तो आंसर मिला मुझे 7/12। ये हो गया ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी। अब मुझे फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर शुड विन, नाइदर शुड विन, नाइदर शुड विन, तो यहां नाइदर नॉर आया, नाइदर आएगा तो हम फाइंड करेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी रहेगा, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू था 7/12, 12 एलसीएम निकाला, 12 वन जाए 12 माइनस 7, सो 12 माइनस 7 मतलब 5, 5/12 लिखेंगे। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स है, समझ गए। चलो एग्जाम्पल नंबर 10 देख रहे हैं। अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 12 बॉयज एंड 18 गर्ल्स, एक क्लास के अंदर 12 बॉयज है 18 गर्ल्स है, ऑफ विच हाफ ऑफ द बॉयज एंड हाफ ऑफ द गर्ल्स हैव ब्लू आईज, उसके अंदर हाफ ऑफ द बॉयज मतलब आधे बॉयज एंड हाफ ऑफ द गर्ल्स आधी गर्ल्स हैव ब्लू आईज, उनकी आईज ब्लू है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले मैं टेबल बना दूंगा एग्जाम्पल नंबर 10, यहां लिखना है आई कलर, यहां पे लिखना है बॉयज गर्ल्स, ठीक है, ब्लू आईज हैव नॉट ब्लू आईज टोटल और इस साइड भी टोटल, इस तरह से टेबल बनाऊंगा सबसे पहले, हैव ब्लू आईज हैव नॉट ब्लू आईज यहां पे टोटल टोटल। तो देखो अंदर अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 12 बॉयज, बॉयज 12 है एंड 18 गर्ल्स, गर्ल्स 18 है, टोटल हो गया 30। अब आगे क्या बोला, ऑफ विच हाफ ऑफ द बॉयज एंड हाफ ऑफ द गर्ल्स हैव ब्लू आईज, हाफ ऑफ द बॉयज, बॉयज 12 है उसके अंदर ब्लू आईज वाले 6 हैव नॉट ब्लू आईज वाले 6, 18 गर्ल्स है हैव ब्लू आईज में 9 हैव नॉट ब्लू आईज में 9, तो 6 + 9 = 15, 6 + 9 = 15, ओके। इस तरह से मुझे ये टेबल मिला। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रेंडम इज अ बॉय और हैज ब्लू आई, बॉय और हैज ब्लू आई, प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज अ बॉय और हैज ब्लू आई, बीच में क्या आ गया और से दो पार्ट बना देंगे, इवेंट ए इवेंट बी, और के पहले क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ बॉय, स्टूडेंट इज अ बॉय, इवेंट बी के अंदर क्या हैज ब्लू आई, स्टूडेंट हैज ब्लू आई, ब्लू आईज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिलेगा मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिलेगा और दोनों का कॉमन जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा। देखना बराबर मैं कैसे कहां से लिख रहा हूं, स्टूडेंट इज अ बॉय तो बॉयज टोटल रेड पेन, बॉयज टोटल 12 है, बॉयज टोटल 12 है, तो 12 बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 मतलब 12/30 मिलेगा, 12/30 इस तरह से लिखा वो देखा आपने। बी बी इज स्टूडेंट हैज ब्लू आई तो ब्लू आई वाई हैव ब्लू आईज, हैव ब्लू आईज हैव नॉट ब्लू आईज, तो ब्लू आईज वाले 15 है ये दिख रहा हैव ब्लू आईज है ऐसे 15 है ये रहे, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के अंदर 15/30, 15/30। अब देखना बराबर ये ब्लू बॉयज जो है उसको हमने ए लिखा, यहां ए लिखा और हैव ब्लू आईज उसको बी लिखा,
तो ये ए और बी दोनों में कॉमन हो ऐसा सिक्स दिख रहा है, ये ए वाला, ये बी वाला, ये ए वाला, फिर से बता रहा हूं देखो मेरा हाथ, ये ए वाला, ये बी वाला दोनों के अंदर कॉमन हो ऐसे सिक्स स्टूडेंट्स दिख रहे हैं मुझे, ये रहे, ये ए वाला, ये बी वाला दोनों में क्रॉस कॉमन सिक्स, तो ए इंटरसेक्शन बी हम लिखेंगे सिक्स बाय थर्टी, सिक्स बाय थर्टी। अब मुझे क्या फाइंड करना था, बीच में और था, और मतलब ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिखूंगा, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पे वैल्यू डाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ये रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब 12 बाय 13 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब 15 बाय 30 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब 6 बाय 30। सो 12 प्लस 15 27, 27 माइनस 6 21 हुआ, 21 बाय 30 कर दिया। अब 3 से डिवाइड कर दो, 37 जा 21, 310 जा 30, तो फाइनल आंसर मुझे मिलेगा 7/10। फिर से देख लो, स्टूडेंट इज अ बॉय ए लिखा, हैज ब्लू आईज, स्टूडेंट हैज ब्लू आईज बी लिखा, ये ए इवेंट है, ये बी इवेंट है, ए का टोटल 12 दिख रहा है तो 12 बाय 30, बी का टोटल 15 दिख रहा है 15 बाय 30, ये ए और ये बी दोनों के अंदर कॉमन 6 है, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखा 6/30। फिर फॉर्मूला के अंदर तीनों वैल्यू डाल दी मैंने, बीच में और दिया था इसलिए एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज किया, ठीक है, एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का मैंने यूज किया। एग्जांपल नंबर कहां तक किया, 10 तक। वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, मैं आगे पढ़ा रहा हूं। नाउ एग्जांपल नंबर 11, इन अ सर्वे ऑफ 100 रीडर्स, 100 रीडर्स का एक सर्वे किया, रीडर्स इटले वाचना रहो, इट वॉज फाउंड दैट 40 रीड मैगजीन ए, 15 रीड मैगजीन बी एंड 10 रीड बोथ, दोनों मैगजीन रीड करते हैं 10 लोग, ठीक है। एग्जांपल नंबर 11, इन अ सर्वे ऑफ 100 रीडर्स, read magazine B and 10 read both। इसका मतलब क्या हुआ कि जो A magazine है उसको 40 लोग read कर रहे हैं, 15 लोग read कर रहे B magazine, और 10 ऐसे लोग हैं, 10 ऐसे लोग हैं जो दोनों मैगजीन रीड करते हैं, ठीक है। तो अब यहां लिखेंगे हम इवेंट ए, इवेंट बी, ठीक है, इवेंट ए मतलब ही रीड्स मैगजीन ए, मतलब आदमी बंदा ए मैगजीन रीड कर रहा है, ही रीड्स मैगजीन बी, ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे। ए मैगजीन को 40 लोग रीड कर रहे हैं तो 40/100, बी मैगजीन को 15 लोग रीड कर रहे हैं तो 15/100, और 10 रीड कर रहे हैं बोथ, दोनों मैगजीन को, मतलब बोथ मतलब ए मैगजीन भी रीड कर रहे हैं और बी मैगजीन भी रीड कर रहे हैं, दोनों मैगजीन रीड कर रहे हैं, तो दो इवेंट साथ में बनेंगी, उसको हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी 10/100। तो ये तीनों की प्रोबेबिलिटी आपको मिल गई। अब फाइंड क्या करना था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन रीडिंग एटलीस्ट वन ऑफ द मैगजीन। तो यहां पहला नंबर लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी that a person
रीड एटलीस्ट वन ऑफ द मैगजीन, एटलीस्ट वन ऑफ द मैगजीन। एटलीस्ट वन का मीनिंग क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया था आइदर और दिया है या एटलीस्ट वन दिया है, तो हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। तो P ऑफ A यूनियन B, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो हमको यहाँ वैल्यू मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मतलब 40/100 प्लस 15/100 माइनस 10/100। तो 40 प्लस 15 55 हुआ, 55 से 10 माइनस करना है। 40 प्लस 15 55, 55 माइनस 10, 55 से 10 माइनस किया तो 45/100 मिलेगा। यहाँ डिवाइड बाय 100 है इसलिए हम 0.45 इस तरह से लिखेंगे। आगे देखते हैं, डिवाइड बाय 100 नहीं रहता तो हम पॉइंट में नहीं लाते हैं। ओके आगे देखते हैं, नाइदर ऑफ द मैगजीन मतलब एक भी मैगजीन वो रीड नहीं करेगा। सेकेंड नंबर, प्रोबेबिलिटी that a person reads neither of the magazine, neither of the magazine मतलब person कोई भी magazine को read नहीं करा है। इसका मतलब A read नहीं करता और B भी read नहीं करा है, मतलब A dash intersection B dash find करना है। neither दिया है इसलिए, neither न होगा तो A dash intersection B dash। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो 1 माइनस 0.45, तो मुझे आंसर मिलेगा 0.55। तो ये एग्जांपल नंबर हमारा 11, ठीक है। एग्जांपल नंबर 12, मिस्टर एक्स अप्लाइज फॉर अ जॉब इन टू फॉर्म्स ए एंड बी। मिस्टर एक्स दो फॉर्म ए और बी के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करता है। He estimates that the probability of his being selected in firm A, Mr. A firm, Mr. X firm A के अंदर select होगा, उसकी probability 0.6। And being rejected at B, firm B से वो reject होगा, उसकी probability 0.3। And the probability of at least one of his application being rejected, उसकी कोई एक एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बताई है 0.5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी सिलेक्टेड इन वन ऑफ द टू फर्म, वो दो फर्म से किसी एक फर्म के अंदर सिलेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है, ठीक है। चलो देखो, मिस्टर एक्स अप्लाइज फॉर अ जॉब इन टू फर्म्स ए एंड बी। ही एस्टिमेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ही इज बीइंग सिलेक्टेड इन फर्म ए। तो यहां सबसे पहले मैं लिखूंगा एग्जाम्पल नंबर 12, प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर एक्स विल बी सिलेक्टेड इन फॉर्म ए। मिस्टर ए फॉर्म ए में सिलेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया हुआ है 0.6, ठीक है। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर एक्स विल बी रिजेक्टेड इन फॉर्म ए, फॉर्म बी से वो रिजेक्ट होगा, सॉरी फॉर्म बी है ना, फॉर्म बी से वो रिजेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3। रिजेक्ट होगा मतलब पी ऑफ बी डैश लिखना है 0.3, ये याद रखना। सिलेक्ट हो रहा है तो सिंपल पी ऑफ ए लिखा था, फॉर्म बी से रिजेक्ट हो रहा है इसलिए बी डैश लिखना है, सिलेक्ट नहीं हो रहा है, बी डैश 0.3। आगे क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ हिज एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन of his application rejected। चलो ये एटलीस्ट वन है तो ए यूनियन बी लिखना पड़ेगा,
लेकिन क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ हिज एप्लीकेशन रिजेक्टेड, उसकी कोई एक एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है आपको। इसका मतलब ए यूनियन बी नहीं दिया है, ए डैश यूनियन बी डैश दिया हुआ है, ठीक है। एटलीस्ट वन होगा तो ए यूनियन बी 100% लिखेंगे, लेकिन एटलीस्ट वन सिलेक्ट नहीं है, एटलीस्ट वन रिजेक्टेड है, इसलिए ए डैश यूनियन बी डैश लिखना है। तो ए डैश यूनियन बी डैश इज 0.5, ए डैश यूनियन बी डैश 0.5। अब सबसे पहले यहीं पे करेक्शन करता हूं, देख लेना, P ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश उसका फॉर्मूला ऐसा है 1 माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यह यूनियन है तो सामने उल्टा करके इंटरसेक्शन करना है, ये याद रखना, यूनियन सामने इंटरसेक्शन। सो 0.5 इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको इधर ट्रांसफर कर रहा हूं तो पी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू मिलेगा मुझे 1, इसको सामने माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5 इज 0.5। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, मोस्ट आई एम बी, ठीक है। चलो आगे बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी सिलेक्टेड इन वन ऑफ द टू फॉर्म्स, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी सिलेक्टेड इन वन ऑफ द टू फॉर्म्स, वो किसी एक फॉर्म के अंदर सिलेक्ट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है। वन ऑफ द टू फॉर्म, कोई एक फॉर्म में ए सिलेक्ट था एनी प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब ऐसा हुआ कि वो फॉर्म ए के अंदर सिलेक्ट हुआ तो फॉर्म बी में रिजेक्ट होगा, या फिर फॉर्म बी के अंदर सिलेक्ट हुआ तो फॉर्म ए से रिजेक्ट होगा। समझ गए, ए में सिलेक्ट हुआ तो बी से रिजेक्ट होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए मां सिलेक्ट थाय छे अने बी माथी रिजेक्ट थाय छे तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, या फिर उल्टा बी में सिलेक्ट हो रहा है और ए से रिजेक्ट हो रहा है तो बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो ये डिफरेंस ऑफ इवेंट, तफावत घटना, 12th स्टैंडर्ड, उसका फॉर्मूला लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहां देखो ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करना पड़ेगा, ये पहले वाले का, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना दोनों के, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे तो ए कितना था, ये रहा ए, ए कितना था 0.6 था, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना था, ए इंटरसेक्शन बी था 0.5। अब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो बी मैंने फाइंड नहीं किया है, देखो बी डैश दिया हुआ है ना, बी डैश कितना है 0.3, तो यहां सबसे पहले मैं पी ऑफ बी फाइंड कर लूंगा, 1 माइनस P ऑफ B डैश, तो 1 से 0.3 माइनस करो तो 0.7 मिलता है, ठीक है। तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया 0.7, उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, ए इंटरसेक्शन बी 0.5 है, माइनस किया, ओके, तो 0.6 से 0.5 माइनस करेंगे 0.1 मिलेगा, 0.7 से 0.5 माइनस करेंगे 0.2 मिलेगा, और फाइनल आंसर मुझे मिल जाएगा 0.3। तो ये सम बिल्कुल ध्यान से करना, एग्जाम्पल नंबर 12 मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ओके, समझ गए। अब पैम्पलेट के अंदर देख लो, आपको 3 सम होमवर्क में करना है, होमवर्क में आप करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13, 14 एंड 15। एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारा चल रहा है, एडिशन रूल, ठीक है। एडिशन रूल वाले टाइटल के अंदर होमवर्क में क्या करना है आपको देख लेना बराबर से, एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी वाले टाइटल के अंदर एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14 एंड एग्जाम्पल 15, ये 3 सम्स आपको होमवर्क में करने हैं, समझ गए। मैं बता देता हूँ, 13 नंबर ये जो अभी मैंने 12 किया ना उसके जैसा सेम है, थोड़ी वैल्यूज प्लस माइनस होगी लेकिन इसके जैसा करना है, ठीक है। 14 वाला है उसके अंदर कार्ड हम लेंगे, एक कार्ड लेंगे, 52 कार्ड्स होते हैं उसके अंदर से,
ठीक है, वो आगे बताया था मैंने कार्ड्स वाला सम कैसे करते। डायमंड और क्वीन ऐसा दिया है तो और के पहले डायमंड है उसको इवेंट ए लिखेंगे, और के बाद में क्वीन है उसको इवेंट बी लिख कर करेंगे। इफ टू डाइस आर थ्रोन, दो डाइस थ्रो करना है एट ऑन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई उसको इवेंट ए लिखेंगे, और के बाद है समेशन इज 9 उसको इवेंट बी लिखेंगे। समझ गए, 14, 15 दोनों के अंदर पी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है, और 13 नंबर सेम टू सेम 12 नंबर जैसा है। तो तीन सम्स, एग्जांपल नंबर 12, एग्जांपल 13, एग्जांपल 14, एग्जांपल 15, ये तीन सम्स होमवर्क में कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब नई मैथड स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, बाय एवरीवन।